सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं iOS 17 जो कि लेटेस्ट अपडेट रिलीज़ किया है एप्पल ने 18 सितंबर को फॉर ऑल डिवाइसेस फॉलोइंग SE सेकेंड जेन एप्पल फोन्स है जो उनके लिए और iPad के लिए जो भी लेटेस्ट डिवाइसेस है उनके लिए रिलीज़ किया है। दिस इज़ अ स्टेबल वर्जन, बीटा वर्जन आफ्टर बीटा वर्जन, और इसका साइज़ था ऑलमोस्ट 3.3 GB के अराउंड है। तो आप 128 GB वेरिएंट यूज़ कर रहे हो तो स्टोरेज के लिए मैनेज कर लेना पहले से ही, और कि बैटरी परसेंटेज अबो 50%। सो लेट्स गो टू सेटिंग्स एंड चेक वेदर द अपडेट इज़ अवेलेबल और नॉट। आई थिंक इट इज़ अवेलेबल फॉर ऑल डिवाइसेस, सो लेट मी चेक फर्स्ट। यस, इन सॉफ्टवेयर अपडेट यू कैन सी एट बॉटम कि यहाँ पे iOS 17 का अपडेट रेडी है। फिलहाल मैंने iOS 16.6.1 का अपडेट ऑलरेडी अपडेट कर लिया था 2 दिन पहले ही, तो इसके लिए हम अभी जा रहे हैं 17 के लिए। तो देर आर सो मेनी फीचर्स, इंटरेस्टिंग फीचर्स, बिकॉज दिस इज़ द स्टेबल वर्जन ऑफ iOS 17। तो इसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर्स है, जैसे कि स्टैंड ऑन मोड, देन शेयरिंग, देन कॉन्टैक्ट शेयरिंग्स, देन एयर ड्रॉप फीचर्स। दिस आर द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर्स ऑफ iOS 17। तो चलो, अभी इसके लिए टाइम लगेगा थोड़ा इंस्टॉलेशन के लिए, तो हम देखते हैं अब आफ्टर इंस्टॉलेशन। सो गाइज, मेरा फ़ोन अभी फाइनली अपडेट हो चुका है iOS 17। इट ऑलमोस्ट टेक्स 15 to 20 minutes टू गेट इट अपडेटेड, सो इट्स नॉर्मल टाइम। कीप योर बैटरी अबव 50%, अदरवाइज योर फोन विल हीट अप। सो अदरवाइज इट विल नॉट गेट अपडेटेड। यस, सो अपडेट ही होगा, नहीं तो आपको 50% के अबव बैटरी रखना है। और अभी मेरा फ़ोन अपडेट हो चुका है। देर आर सो मेनी इंटरेस्टिंग फीचर्स, जैसे कि वॉलपेपर में कुछ न्यू वॉलपेपर्स ऐड हुए हैं। देन पहले तो बस अर्थ का दिखता था वॉलपेपर में, बट अभी ऑल प्लैनेट्स एडेड हियर। सो लेट्स गो वन बाय वन फीचर्स। सो यहाँ पे हम होम स्क्रीन पे आ चुके हैं। देर इज़ नो मोर नो चेंज, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं दिख रहा है यहाँ पे मुझे। तो जैसे ड्रॉवर है, शॉर्टकट्स है, वो भी एज इट इज़ ही है। मुझे लगा था कुछ चेंजेस आएंगे इसमें, मे बी नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है एप्पल का। तो कुछ परफॉर्मेंस में तो कुछ चेंजेस नहीं आएंगे आपको, जस्ट कुछ सिक्योरिटी बग्स वगैरह रहेंगे या फीचर्स रहेंगे, वही इतना ही ऐड होगा। तो चलते हैं फर्स्ट फीचर्स के लिए, जो कि फ़ोन ऐप में है, जो बहुत टाइम से एप्पल ने अपडेट ही नहीं किया था। तो यहाँ पर आप फ़ोटो रख सकते हैं, जो भी आपको रखना हो अपने कॉन्टैक्ट के लिए। और मैं अभी देखता हूँ कि मैं कैसे उसको चेंज करूँ। तो आप फ़ोटोज़ में जाके अपना जो भी अच्छा फ़ोटो है या कुछ आपको चाहिए वो फ़ोटो रख सकते हैं उसमें। जैसे कि मैं अभी एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे एक फ़ोटो जो है मेरा। ओके, तो मैंने ले लिया है फ़ोटो, इट विल टेक टाइम टू गेट लोडेड। सो यहाँ पर मैंने ये फ़ोटो अपने कॉन्टैक्ट पर रखना चाहता हूँ मैं। तो यहाँ पे आप उसमें हाइलाइट्स भी कर सकते हैं, डिफरेंट शेड्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं करके देख रहा हूँ, बट मुझे जो स्टैंडर्ड है वही रखना है। आप जो भी कुछ फॉर्मेटिंग रहेगा, जैसे वो नेम है, अब वो टेक्स्ट है, उसको कलर करना या कुछ उसका थिक वेट चेंज करना, तो आप कर सकते हैं। जो मेरा लॉक स्क्रीन रहेगा वो इस तरह रहेगा। और मैं इसमें शेयरिंग ऑन करूँ तो जिन लोगों के पास आईफोन से, उनके स्क्रीन पे भी मैं अगर मेरा कॉल जाता है तो उनको सेम फ़ोटो वहाँ पे शो होगा। तो ये इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा, बहुत ही अच्छा है। जैसे कि मैं रख रहा हूँ यहाँ पे अलग अलग फ़ोटोज़, तो मैं शेयर करके दूसरे फ़ोन्स में भी देख सकता हूँ जिनके पास एप्पल के फ़ोन से, तो उनको सेम फ़ोटो यहाँ पे मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट कर सकता हूँ। सो दैट इज़ द इंटरेस्टिंग फीचर, मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले बार बस कॉन्टैक्ट्स में फ़ोटो रख सकते थे, बट फ़ोटो आईडी नहीं दिख रहा था, तो ये बात इंटरेस्टिंग लगी मुझे। एंड समथिंग थोड़ा सा चेंजेस अच्छा लगता है यहाँ पे, कुछ एप्पल ने चेंज किया है। तो हमें जितने भी लोगों के चाहिए, अगर वो एप्पल यूज़र नहीं होंगे तो भी हम उनका कॉन्टैक्ट पे फ़ोटो रख सकते हैं। इन केस यू आर रिसीविंग अ कॉल, देन यू कैन सी देयर फोटोज़ ऑन योर स्क्रीन। एंड अगेन कॉलिंग जो है, हमारे जो डायल नंबर्स है, रिसेंट हिस्ट्री है, उसमें पहले तो हम 100 नंबर्स ही रख सकते थे, ऑटोमेटिकली एप्पल डिलीट कर देता था पुराने जो ओल्ड रिसेंट कॉन्टैक्ट्स रहेंगे उनको। बट अभी एप्पल ने उसको एक्सटेंड करके 2000 तक किया है, तो दैट इज़ इनफ। आई थिंक इट इज़ इनफ टू हैव दी 2000 कॉन्टैक्ट्स, रिसेंट कॉन्टैक्ट्स इन योर हिस्ट्री।
सो ये भी एक अच्छा अपडेट है, पहले ही रहना चाहिए था ये अपडेट, बिकॉज़ हमें कभी भी लगता है कि कुछ है कॉन्टैक्ट, दिन में हम 100 कॉल करते हैं तो ये 100 कॉल ऑटोमेटिकली मतलब एक दिन पहले के डिलीट हो जाएंगे, तो ये फीचर पहले ही हो। एंड जो भी हम कॉल करते हैं उस टाइम पे जो कंट्रोल्स आ रहे थे वो सेंटर में थे, अभी उन्होंने एप्पल ने जो किया है वो बॉटम में दिया है। और जो बेस्ट फीचर मुझे लगा है वो है मतलब कॉन्टैक्ट शेयरिंग एंड एयर ड्रॉप भी है, जो हम जस्ट फ़ोन को टच करना है, टैप करना है एक दूसरे से और कॉन्टैक्ट्स हो गया या कुछ ड्राइव रहेगा, फाइल रहेगा बिग साइज़, तो वो ऑटोमेटिकली शेयर हो जाएगा विथ एनिमेशन। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कैसे वो रिफ्लेक्ट होता है जस्ट आफ्टर वन टैप, तो कॉन्टैक्ट्स और जो भी फाइल्स रहेगा या कुछ एयर ड्रॉप करते थे आप तो हो जाएगा इसमें। अगर आप फ़ोन दूर ले जाते हैं तो बाकी का शेयरिंग जो रहेगा वो इंटरनेट से हो जाएगा। और एक फीचर ऐड हुआ है जो कि है पेज रीडिंग, जैसे कि हम सीरी को बोल देंगे कि हे सीरी जस्ट रीड दिस पेज, तो हमारे लिए सीरी वो पेज रीड कर देगी। अगर हम कहीं मतलब भीड़ में है या कहीं फ़ोन नहीं यूज़ कर सकते तो हम सुन तो सकते हैं एटलीस्ट, तो ये फीचर भी अच्छा लगा मुझे, इंटरेस्टिंग वन। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है स्टैंड ऑन मोड, जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने अपना फ़ोन चार्जिंग पे लगाया है और उसको मैंने साइड में रखा है टिल करके, तो उसमें आप देख सकते हैं मैं जस्ट टैप कर रहा हूँ इस पर तो ऑटोमेटिकली वो ऑन हो जाएगा। एक्चुअली मैं थोड़ा सा ज़्यादा कर रहा था वहाँ पे, बट आप एक ही टैप करोगे टेबल पे या कहीं पे तो ऑटोमेटिकली वो स्क्रीन दिख जाएगा आपको। तो ये बहुत सारे इसमें फीचर्स ऐड हुए हैं, जैसे कि आप उसमें विजिट्स भी ले सकते हैं और देन आपको जो क्लॉक स्टाइल पसंद है वो रख सकते हैं, रात के टाइम आपको उसमें रेड कलर भी मतलब ऑटोमेटिकली वो रेड हो जाएगा और उसका ब्राइटनेस कम हो जाएगा, तो ये जस्ट चार्जिंग के टाइम ऑन रहेगा, तो ये अच्छी बात है, मस्त दिख रहा है बहुत ही। तो ये स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगा, ये क्लॉक स्टाइल जो है ऑटोमेटिकली मिनट्स वगैरह चेंज होते जाएंगे और उसका कलर्स भी चेंज होता जाएगा एज पर योर एम्बिएंट लाइट। और लास्ट में है कैमरा में जो हम लेवलिंग का एक फीचर ऐड हो गया है, जैसे कि हम मेरा फ़ोन अभी लेफ्ट में टिल्ट राइट में टिल्ट था, तो आप देख सकते सेंटर में जो लाइन है वो क्रॉस हो गया था, अभी सेंटर में आएगा तो अपने आप वो लाइन दिखेगा, तो आपको फोटोज़ कैप्चर करने के लिए सेंटर पॉइंट पता चल जाएगा और बैलेंस कर सकते हैं आप, फोन स्टेबल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।